सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी मेरे लिए व्यक्ति नहीं, मेरी वो श्रद्धा है, मेरी वो प्रेरणा है। 20 अक्टूबर 1980 को श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी महेंद्रगढ़ में आए थे, थैली भेंट कार्यक्रम था और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। तब से लेकर के उनके निधन तक मैं उनसे प्रेरणा लेता रहा। राजनीति में अजात शत्रु, 60 साल उस आदमी ने हिंदुस्तान के राजनीति में एक आदर्श स्थापना किया। 40 साल लगातार विपक्ष की भूमिका निभाई और 13 दिन के प्रधानमंत्री के बाद जब पार्लियामेंट में शक्ति परीक्षण हुआ, मंडी में माल था, एक हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रमुख लोगों की बैठक हुई श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी के घर पर, श्री प्रमोद महाजन ने कहा कि 7 मेंबर पार्लियामेंट बैठे हैं, तो वाजपेयी जी खड़े हो गए कि वो क्या चाहते हैं, कि वो अपनी कीमत चाहते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी गुस्से में आकर के, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह भंडारी, श्रीमान लाल कृष्ण जी अडवाणी, उस बैठक में सब लोग उपस्थित थे। प्रमोद महाजन ने कहा कि हमारा 1 मेंबर पार्लियामेंट की जरूरत है, और अटल जी ने खड़े होकर के कहा कि मैं प्रजातंत्र से समझौता नहीं करूंगा, मैं प्रजातंत्र को नीलाम नहीं होने दूंगा। सत्ता में हम कल नहीं थे, सत्ता में हम आज नहीं रहना चाहते। और हम सब जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने सत्ता छोड़ दी। एक तरफ लखू भाई पाठक केस में कांग्रेस के श्रीमान नरसिम्हा राव को सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई, वाजपेयी जी अमेरिका में थे, उनसे पूछा कि योर प्राइम मिनिस्टर हैज बीन जेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। धन है अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा इट इज अवर डोमेस्टिक मैटर, अवर प्राइम मिनिस्टर इज ग्रेट। ये हमारा घरेलू मामला है। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी उनसे मिलने के लिए आई, बांग्लादेश जा रही थी, वाजपेयी जी ने कहा दुर्गा भवानी बन करके लड़ो। पार्टी की कार्य समिति में इस बात की निंदा हुई कि आप अपन विपक्ष में हैं, आपने प्रधानमंत्री को दुर्गा कह दिया। वाह रे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा जब देश युद्ध में हो तो प्राइम मिनिस्टर नेता होता है, उसका हौसला अफजाई जरूरी होता है। पार्टी से देश बड़ा समझा, ऐसा आदर्श पुरुष, 24 पार्टियों को साथ में लेकर के हिंदुस्तान के सफल प्रधानमंत्री रहे। आज उनका जन्मदिन है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, हम उनके मानस पुत्र हैं, हमको वो सामर्थ्य देना, हमको वो शक्ति देना, वाजपेयी जी के रास्ते पर हम चलते रहें। सर, पार्टी को जोड़ने के लिए भी क्या क्या प्रयास करते थे अटल जी? हमेशा अटल जी के संपर्क में जो आ गया, अटल जी बहुत वर्षों तक पार्टी के अध्यक्ष रहे, इमरजेंसी में जेल से बाहर आए, जेल की अपनी एक पीड़ा होती है। मैं तो बिहार की गया जेल तक गया था, परंतु आते ही उन्होंने कहा, वो बड़े भावुक व्यक्ति थे, उन्होंने कविता में कहा, हार नहीं मानूंगा, राड़ नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता और मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं।
आप काफी समय साथ रहे हैं, लेखन में कैसी रुचि? लेखन में बड़ी भयंकर रुचि थी, ऐसे सार्थक कवि थे, बड़ी से बड़ी बात कुछ शब्दों में कह देना। श्रीमती इंदिरा गांधी जब पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर थी, वो विपक्ष के नेता थे, और इंदिरा जी के ऊपर इंदिरा जी का वो बहुत आदर करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1957 में पहली बार वाजपेयी जी मेंबर पार्लियामेंट बने थे, 54 लाई चाइना से आए थे, भोज के ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनका हाथ पकड़ के 54 लाई से परिचय कराया। सी मिस्टर 54 लाई, हेयर इज द प्राइम मिनिस्टर मटीरियल। 54 लाई सेट, यू आर इंट्रोड्यूसिंग मी यूर ओपोनेंट, वेल इट डजंट मैटर, ही इज द कैपेबल मैन, ही इज द कैपेसिटी। 6 अप्रैल 1980 को जब भारतीय जनता पार्टी की हमने स्थापना किया बंबई में, बांद्रा के किनारे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर मोहम्मद करीम छागला का भाषण मेरी कानों में गूंजता है कि यू मे आई मे लिव और नॉट बट यू पीपल विल सी द फाइनेस्ट पर्सन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वो बाद में हुए हैं।